सो हैव एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब के क्रिएटर कैंप में जाना चाहते हो तो कैसे वहाँ पर आप जा सकते हो और उसके एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वहाँ पर जाना तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर दो तरह के जैसे होते हैं। आपने बहुत सारा सुना होगा कि यहाँ पर यूट्यूब का क्रिएटर कैंप भी होता है और यूट्यूब का फैन फेस्ट भी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है। यहाँ पर एक ही, जो आप सोचते हो कि दोनों एक ही चीज़ है, बट यहाँ पर ये दोनों अलग अलग होता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है YouTube क्रिएटर कैंप फैन फेस्ट होता है, उसके बाद YouTube फैन फेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर यह होता क्या है। तो जब यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो यहाँ पर आपके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो जाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आता है, ईमेल में यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। फिर जैसा आप वहाँ पर रजिस्टर करते हो, यहाँ पर जो ईमेल आता है वो कई कई लोगों को आता भी नहीं है। तो जिनके पास यहाँ पर ईमेल आता है उसको सबसे पहले जाकर वहाँ पर अपने नाम को, उसके बाद अपने चैनल को नाम को डालकर, उसके बाद वहाँ पर और कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है। फिर आपका आईडी वहाँ पर रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद जैसे आपका आईडी वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद वहाँ से आपके पास वेरिफिकेशन का एक वहाँ पर मैसेज आता है। तो जैसे यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन का मैसेज आता है तो उसके बाद वहाँ पर आप फिजिकली जहाँ पर यह इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहाँ पर आप जा सकते हो। क्योंकि वहाँ पर जैसे आप जाते हो उसके बाद आपके सामने सबसे पहले जैसे जाने का खर्चा आपको खुद ही करना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे आप जाओगे आपको वहाँ पर बहुत सारी लंबी लाइन, जो वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर होंगे जो वहाँ पर जाने वाले होंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद जब आपका टाइम होगा वहाँ पर, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर आपका नाम बताना पड़ेगा। उसके बाद चैनल का नाम बता के वहाँ पर आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो जैसा वहाँ पर आप वेरिफिकेशन करवा लेते हो, फिर वहाँ पर जाकर आपको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, जैसे बैग दिया जाता है, उसके बाद कुछ डायरीज भी वहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एज अ रिसर्च आप करके आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर इसको मैंने एक्सपीरियंस इसको नहीं किया हुआ है। तो जैसे वहाँ पर आप जाओगे उसके बाद आप अपने फेवरेट क्रिएटर से वहाँ पर मिलोगे, जो आपको यहाँ पर कई लोग तो वहाँ पर आपको पहचानते भी होंगे और कई लोग को अगर आप वहाँ पर नहीं पहचानते तो वहाँ से जाके आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो और वहाँ से आप अच्छे से वहाँ पर आप दोस्ती भी उनसे कर सकते हो। तो जैसे वहाँ पर जाओगे और अच्छे से वहाँ पर आप सबसे मिलोगे, फिर वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ गेम का एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगा, आप उसको भी वहाँ पर कर सकते। और वहाँ पर आपको खाने पीने का भी वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाएगा जहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर होंगे जो छोटे क्रिएटर होते हैं, और वो बहुत सारे वहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर आएंगे जिनके चैनल पर वहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर जैसे आप जाओगे हॉल में, उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर को एक करके वहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो आपका यूट्यूब रहेगा उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर आपको काम करना है, किस तरह से यहाँ पर आपको ग्रो करना है, उसके बाद किस तरह से आपको ब्रांड से यहाँ पर प्रमोशन के बारे में डिटेल्स लेना है और किस तरह से वहाँ पर आपको डील करना है, सारा कुछ यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर जो होंगे वो अपने लाइफ के जर्नी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में ग्रो किया और किस तरह से यहाँ पर भी आप कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हो। तो जैसे YouTube का क्रिएटर कैंप वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसके जस्ट अगले दिन ही वहाँ पर YouTube का फैन फेस्ट वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके लिए भी यहाँ पर आपके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आता है और यहाँ पर ईमेल आने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और जैसे यहाँ पर आप रजिस्टर करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको पासेस मिल जाते हैं जिसके थ्रू वहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होता है कि जैसे इसका डेट यहाँ पर अनाउंस किया जाता है उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करवा लेना है, क्योंकि इसका जो पासेस होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। अगर यहाँ पर एक खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जाने का आपको मौका यहाँ पर फिर से नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना और अपना यहाँ पर पास ले लेना। तो जैसे यहाँ पर आप पास लेके वहाँ पर एंट्री कर लोगे उसके बाद भी यहाँ पर आपको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। फिर यहाँ पर जैसा आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एज अ क्रिएटर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर एज अ ऑडियंस जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आपके जो बड़े क्रिएटर होंगे जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको पसंद करते हो, वहाँ पर वो आपके सामने स्टेज पर आएंगे और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, अपने टैलेंट को वहाँ पर कुछ दिखाएंगे। उसके बाद यह जो सेशन होता है वो लगभग यहाँ पर 3-4 घंटे तक चलता है इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ पर आप इस तरह से इसको कंप्लीट करके अपने घर यहाँ पर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर आपका जो यूट्यूब का जो यहाँ पर क्रिएटर कैंप लगता है और यहाँ पर फैन फेस्ट लगता है, किस तरह से यहाँ पर आप जाके इसको अटेंड कर सकते हो और किस तरह से इनका इवेंट यहाँ पर किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।